नमस्कार। तो जैसे कि आप सब लोग अभी देख पा रहे हैं कि रोड पर बैठा ये पशु, गाय को तो माता मान लिया जाता है, लेकिन वहीं आप देख पा रहे हैं कि अगर बैल हो तो सड़क पर उसकी किस तरह की दुर्दशा है। दोस्तों, कहने में आसान लगता है, लेकिन ये जीवन जीना कितना मुश्किल हो सकता है ये हमें ये सब देखकर पता चलता है। कड़ी धूप में मेन हाईवे के पास धूल मिट्टी खाता ये पशु। दोस्तों, मुझे लगता है कि हम सबको इनके लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना चाहिए और कहीं ना कहीं एक अच्छी सोच ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है जिस दुर्दशा में ये सिर्फ धूल खा रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं इनके भोजन के लिए, इनके पानी के लिए इनको कितना संघर्ष करना पड़ता होगा, और शायद हो सकता है पूरा पूरा दिन बिना पानी के भी निकल जाता हो। मैं आप सब लोगों से यही आग्रह करूँगा कि ज़रूर इनके बारे में कुछ ना कुछ सोचें, कुछ ना कुछ करें, क्योंकि ये जीव ही हैं जो हम सबको ऊर्जा देते हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। वहीं बैल, इसको तो नंदी की सवारी कहा जाता है, मतलब भगवान शिव की सवारी है ये नंदी। अगर मुझसे कोई गलती हो पा रही है तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप सब लोगों से एक बार आग्रह करता हूँ कि इनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करें, वरना ये जीव मेन हाईवे पे इसी तरीके से धूल मिट्टी और परेशानियों में दिखाई देगा। तो दोस्तों, मेरी कोशिश थी आप तक ये मैसेज पहुँचाना। आगे आप सब लोग खुद समझदार हैं, आगे बढ़ें, कदम उठाएं। जय हिंद, जय भारत।